मैंने अभी ही आप लोग को कहा, आज हम बायोलॉजी के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम अपने जीवन में बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, आखिर बायोलॉजी पढ़ने से हमारा क्या बेनिफिट है। फिर दूसरी पॉइंट में मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये बायोलॉजी है या आखिर है क्या और आया कहाँ से। आज इन्हीं बेसिक चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप से जब भी पूछा जाए व्हाट इज बायोलॉजी, तो सिंपली में आप डिफाइन करोगे अ स्टडी ऑफ लाइफ, अ स्टडी ऑफ, अ लाइफ स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम किसी भी लाइफ जीवन के लाइफ बारे में अध्ययन करते हैं, अ स्टडी ऑफ लाइफ, अ स्टडी ऑफ लाइफ। जब हम किसी भी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, लाइफ उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी उसी बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं। जब भी बायोलॉजी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप सिंपली में क्या आंसर दोगे, अ स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी या नहीं तो दूसरा पॉइंट में आप ये डिफिनेशन दे सकते हो, अ स्टडी अबाउट, अ स्टडी अबाउट ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट कंपोनेंट। जब हम सभी लिविंग कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, अब लिविंग कंपोनेंट मतलब यहाँ क्या होता है, लिविंग विंग्स आप लोग समझते होंगे, जो सजीव वस्तु है, जो सजीव वस्तु है उसी को क्या कहा जाता है, लिविंग कंपोनेंट। जैसे हो गया डॉग हो गया, जैसे हो गया मैन हो गया, जैसे हो गया का हो का गया हो गया, जैसे हो गया ट्री हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, लिविंग कंपोनेंट है। क्या है, क्या है, लिविंग कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट। और इन सभी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी जब आपको नहीं याद रहे तो आप ये भी डिफिनेशन दे सकते हो, साथ ही साथ में स्टडी ये ऑफ भी लाइफ डिफिनेशन आप दे सकते हो, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, अ स्टडी अबाउट ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। नो इन्हीं को कोई दिक्कत। सर अब नो सर देखिए, जो दूसरा टॉपिक मैं बताऊंगा, उत्कर्ष ऋषि, अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ये है, व्हाई डू वी रीड बायोलॉजी, हम लोग जीव विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, व्हाई। क्यों, कोई बता सकते हैं हम क्यों बायोलॉजी पढ़ते हैं, कोई बता सकते हैं। हेलो, अब देखिए बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, आ बायोलॉजी मेजर गिव्स यू, गिव्स यू एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग,
डेप्थ अंडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत? ये आप लोग ये डिफिनेशन एक बार रीड कीजिए, ठीक है सभी, एक बार डिफिनेशन रीड कीजिए, या नेचुरल वर्ल्ड के जगह पे आप नेचुरल प्रोसेस भी दे सकते, ठीक है। सर हाँ सर बोलिए। किस चीज के बाद? देखिए, आ बायोलॉजी मेजर गिव्स यू एन इन-डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड स्लैश प्रोसेस। अब एक बार आप लोग समझ भी लीजिए ये होता क्या है। ऑल ऑफ यू बी फोकस। देखिए, हमने आपसे कहा कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। हेलो, यस सर। हमने आपसे अभी कहा कि हमें बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और नेचुरल प्रोसेस के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल मतलब होता है प्रकृति, सभी को पता है। यस सर। यस सर। ठीक है, नेचुरल मतलब क्या होता है? प्रकृति। अब प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस तो प्रकृतिक का क्रिया, प्रकृतिक का क्रिया, क्रिया मतलब, क्रिया मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? काम, काम बोलिए या फंक्शन बोलिए। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी घटना घट रही है, जैसे मान के चलिए घटना ये घट रही है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, घटना ये घट रही है प्लांट्स ग्रो कर रहा है, घटना ये घट रही है कि पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, तो जितने भी नेचर में क्या हो रहा है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो रही है, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, उसी के बारे में जानने के लिए हम बायोलॉजी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नेचुरल फेनोमेना का जो प्रोसेस है वह कैसे हो रहा है, उसके बारे में अगर हम जानते हैं, डिप्थ नॉलेज लेते हैं, बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, वह किस में जानते हैं? बायोलॉजी। आप हमेशा याद रखना कि जितने भी एनवायरमेंट में फंक्शन हो रहे हैं उसके बारे में डिप्थ नॉलेज रखना, इसमें हम रीड करते हैं तो बायोलॉजी में। आप हमेशा, तो आप हमेशा इस पॉइंट्स को भी याद रखना, अ बायोलॉजी मेजर गिव्स यू एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड आपको याद नहीं है तो नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, प्रकृति में जितने भी प्रक्रिया हो रहे हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे ट्री ग्रो हो रहा है, जैसे हाइट ग्रो हो रहा है, साइज एक्सपेंड कर रहा है, इस सब के बारे में जब भी हम डेप्थ नॉलेज लेंगे तो
तो उसको क्या उसमें किस में लेंगे, तो बायो बायोलॉजी में। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। दो पॉइंट मैंने पढ़ाया है, सभी नोट कर लिए? यस सर। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोलॉजी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है वह किस वर्ड से बना हुआ है और ग्रीक वर्ड आया कहां से। ठीक है, जिनका भी आवाज साउंड आ रही है इधर, वो कृपया करके बंद कर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ रही है कि ये बायोलॉजी वर्ड है किस वर्ड से बना हुआ है और ये ग्रीक वर्ड कहां से। ग्रीक वर्ड किसने बोला? ग्रीक वर्ड किसने बोला सर? हाँ, अप्पू, अप्पू कुमार। यस जी सर। देखिए क्या होता है, बायोलॉजी जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से। बायोलॉजी का जो ये वर्ड है या ये टर्म है यह कहां से लिया गया? ग्रीक, ग्रीक वर्ड, वर्ड से। ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड जो था वह था बायोस लॉगोस। क्या था? बायो लोगोस, बायोस प्लस लॉगोस या ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो बायोलॉजी किस वर्ड से बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से है। और वह ग्रीक वर्ड कौन है? बायोस लॉगोस। ठीक है, बायोस लॉगोस। अब देखिए क्या होता है, बायोस मतलब हो जाता है, बायोस मींस दैट लाइफ, बायोस मींस दैट लाइफ, लॉगोस मींस दैट स्टडी, लॉगोस मींस दैट स्टडी। जब देखिए, बायोस मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लाइफ हो गया। लॉगोस मतलब क्या हो गया? स्टडी। जब किसी भी लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम बताए भी थे स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, तो लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बायो, बायोलॉजी। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी वर्ड जो लिया गया है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और वह ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? बायोस लॉगोस। क्या नाम है? बायोस लॉगोस। ठीक है, आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि एंशिएंट नेम ऑफ बायोलॉजी, एंशिएंट नेम ऑफ बायोलॉजी, मतलब एंशिएंट नेम आपको बताना है बायोलॉजी का, तो एंशिएंट नेम ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाता है? बायोस लॉगोस। आप याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ बायोलॉजी, तो क्या आप बोलोगे? बायोस लॉगोस, बायोस लॉगोस। या कभी कभी आपको घुमाने के लिए पूछ देगा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बायोलॉजी, अनदर नेम ऑफ बायोलॉजी। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे आपको अनदर नेम पूछे, चाहे आपको एंशिएंट नेम ऑफ पूछे, तो सब में एक ही आंसर होगा। क्या होगा? बायोस लॉगोस। क्या हो गया? बायोस लॉगोस। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नो सर, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसके ब्रांचेस के बारे में,
बायोलॉजी। अब एक बात आपको और ध्यान देना पड़ेगा, फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के जनक किनको कहा गया है? तो आप हमेशा याद रखिएगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जैसे बेटा आपके पिता का क्या नाम है, अमरांत, क्या नाम है, प्रिंस भास्कर, मान के चलिए भास्कर आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और प्रिंस आइए अप्पू, अप्पू तुम भी। तो बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी के जनक कौन है। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि आपका पिता कौन है, हम अपने पापा का नाम बोलेंगे क्योंकि मेरे पापा ने हमको जन्म दिए। ठीक उसी तरह बायोलॉजी के जो जन्मदाता है वह कौन है, एरिस्टोटल। बायोलॉजी के जो पापा है वह कौन है, एरिस्टोटल। आप बेटा हमेशा याद रखना एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तब भी आपसे कोई पूछेगा कि बताइए एरिस्टोटल कौन है, तो आप याद रखिएगा एरिस्टोटल बायोलॉजी के पिता हैं। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ ये बायोलॉजी में ही वर्क किए हैं, ये एक साइंटिस्ट थे और ये अलग अलग फील्ड में भी वर्क किए हैं। ये आप फिर ज्योग्राफी में इनका नाम पढ़िएगा, ठीक है? तो आपसे जब भी पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो सिंपली में क्या नाम दोगे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? अब देखिए बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी के मेनली दो ब्रांच है, एक ब्रांच आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपके अभी, हाँ दो ब्रांच है, एक है जूलॉजी, जूलॉजी, दूसरा है बोटनी। दूसरा क्या है, बोटनी। पहला जूलॉजी, दूसरा बोटनी। देर आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी एंड बोटनी याद रखिएगा, जब भी आपसे बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा जूलॉजी एंड बोटनी आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी, किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। आइए नेक्स्ट देखिए, यहां तक सभी ने नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए जू मतलब सभी को समझ में आता होगा? यस सर। जू मतलब क्या हो जाता है, चिड़िया घर। और चिड़िया घर में आप क्या देखते हैं, जानवर। तो जू मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल। लॉजी मतलब हो जाता है स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जूलॉजी। एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, जूलॉजी। स्टडी स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स या A study of fauna group। तो a study animals के बारे में जब भी हम study करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, zoology। A study about animals is known as
जूलॉजी, या आप ये भी बोल सकते हैं अ स्टडी ऑफ फौना ग्रुप्स इज नोन एज जूलॉजी। किन्हीं की कोई दिक्कत? नो सर। जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? जूलॉजी। जब हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। आप हमेशा याद रखना, जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? जूलॉजी। अमृत, जूलॉजी अमृत, आप बताइए जूलॉजी किसको कहेंगे? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स। भास्कर आप बताइए? स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। आपको? एनिमल्स स्टडी। एनिमल्स स्टडी, आगे ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है जूलॉजी वर्ड, जूलॉजी वर्ड came from, जूलॉजी वर्ड कहां से आया है ये देखिए, जूलॉजी वर्ड कहां से आया है और उसका मतलब क्या होता है। जूलॉजी वर्ड कहां से आया है और उसका मतलब क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, जूलॉजी वर्ड जो बना हुआ है वह किस वर्ड से बना हुआ है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा से ये वर्ड लिया गया है। कौन सा? जूलॉजी, ठीक है। और वह ग्रीक वर्ड क्या है वो देखिए, वह ग्रीक वर्ड है, वह ग्रीक वर्ड है जोयोन। वह ग्रीक वर्ड क्या है? जोयोन। वह ग्रीक वर्ड क्या है? जोयोन। ग्रीक वर्ड क्या है? जो जोयोन, जेड ओ आई ओ एन, जोयोन। और जोयोन मीन्स होता है एनिमल। जोयोन्स मीन्स दैट एनिमल। आप याद रखिएगा, जूलॉजी जो वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं और उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? जोयोन, जिसका मतलब क्या होता है? एनिमल्स। जिसका मतलब क्या होता है? एनिमल्स। कोई दिक्कत? No, आप देखिए, जूलॉजी के भी पिता कोई होंगे, क्योंकि जूलॉजी के भी कोई जन्म दिया होगा, कोई उसको जन्मदाता होंगे। तो देखिए, फादर ऑफ जूलॉजी, देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। आपको हम फादर ऑफ बायोलॉजी में क्या बताए थे? फादर ऑफ बायोलॉजी, अमृत बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। तो आप याद रखिएगा, फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के भी पिता कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, जूलॉजी के भी पिता कौन है? एरिस्टोटल। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी और साथ ही साथ में जूलॉजी, दोनों के पिता कौन है? एरिस्टोटल। दोनों के पिता कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। यस। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। नो सर। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है अब, वह नेक्स्ट टॉपिक है बोटनी, BOTANY, बोटनी। अब देखिए, यहाँ पे बोटनी के बारे में जानते हैं। तो बोटनी मीन्स प्लांट, बोटनी मीन्स प्लांट। तो याद रखिएगा, अ स्टडी ऑफ प्लांट, अ स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट। जब भी हम प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे
तो वह क्या कहलाएगा? बोटनी. अ स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बोटनी. या अ स्टडी ऑफ फ्लोरा ग्रुप, अ स्टडी ऑफ फ्लोरा ग्रुप, अ स्टडी ऑफ फ्लोरा ग्रुप. जब फ्लोरा ग्रुप के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे? बोटनी. क्या कहेंगे? बोटनी. किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो आप याद रखिएगा, जब भी हम प्लांट्स के बारे में अध्ययन करें, चाहे फ्लोरा ग्रुप के बारे में अध्ययन करें, फ्लोरा मीन्स दैट प्लांट, ठीक है, फ्लोरा मीन्स दैट प्लांट, और प्लांट मीन्स दैट पेड़ पौधे. जब भी हम अपने वातावरण में पेड़ पौधों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बोटनी. क्या बोलेंगे? बोटनी. ठीक है, ठीक है. उसके बाद देखिए, बोटनी किस वर्ड से बना हुआ है? बोटनी वर्ड कैम फ्रॉम, बोटनी वर्ड बोटनी वर्ड कैम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. बोटनी वर्ड कैम फ्रॉम, ठीक है. बोटनी वर्ड भी किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड. बोटनी वर्ड भी कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड. और वह ग्रीक वर्ड क्या कहलाता है? बोटन. क्या कहलाता है? बोटन. BOTAN, बोटन. अब बोटन मींस क्या हो जाता है? प्लांट. बोटन मींस प्लांट, ठीक है. तो याद रखिएगा, बोटनी वर्ड किस वर्ड से बना हुआ है? ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और वह ग्रीक वर्ड क्या कहलाता है? बोटन. बोटन मतलब क्या हो जाता है? प्लांट्स. बोटन मतलब क्या हो जाता है? प्लांट्स. आप हमेशा याद रखिएगा, बोटनी वर्ड कैम फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड बोटन, और बोटन मींस दैट प्लांट. कोई कोई दिक्कत? नो सर. अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए. नेक्स्ट टॉपिक ये है, फादर ऑफ बोटनी. फादर ऑफ बोटनी. देखिए, फादर ऑफ बोटनी, ठीक है, सभी को दिख रहा है? यस सर. यस सर. तो फादर ऑफ बोटनी जो हो गए, वह हो गए थियोफ्रेस्टस. 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 फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस. TheoFrestus. TheoFrestus. थियोफ्रेस्टस. याद रखिएगा, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस. जब भी आपको बोटनी के पिता के बारे में पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस बोलिएगा, ठीक है? Yes, और बेटा, आज हम जो भी पढ़ाए हैं अभी तक में, कल आप लोग रीड करके पहला चैप्टर याद रखिएगा, होमवर्क देख लीजिए.
होमवर्क देखिए, होमवर्क आपका ये है, रीड एंड अंडरलाइन हार्ड वर्ड विथ मीनिंग एंड रिमेंबर एंड मेमोराइज इट. मैंने होमवर्क आपको दिया है कि जो चैप्टर है साइंस का, जो चैप्टर नंबर 1 है, उसको आपको क्या करना है, रीड करना है, हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करना है, साथ ही साथ में आपको उसका मीनिंग लिखना है एक कॉपी में. और हाँ, कॉपी, जिस कॉपी में आप मीनिंग लिखोगे उस कॉपी को आप अलग रखोगे, उसमें कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है. और उसको याद भी करना है, ठीक है. दूसरा ये है, राइट नोट्स टू टाइम्स. आपको क्या करना है, नोट्स को दो बार लिखना है. किसी भी रफ कॉपी में आप दो बार नोट्स लिख के लाओगे. जो मैंने अभी लिखवाया है उसको टू टाइम्स लिख के लाओगे. तीसरा है, तीसरा होमवर्क आपका है, मेमोराइज जितने भी नोट्स में मैंने अभी लिखवाया है उसको आपको क्या करना है, याद करना है. ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है. समझ में आया, सभी होमवर्क देख लीजिए, क्विक देख लीजिए. यू हैव सभी देख लीजिए, होमवर्क देख लीजिए क्विक.